हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। रिडाऊ गांव में जो अवैध फैक्ट्री थी बम बनाने की, बम पटाखे बनाने की, उसमें जो धमाका हुआ, धमाका इतना जबरदस्त था जो आसपास के गांव हैं उसमें भी धमाका सुनाई दिया था। और जो टूट के जो सामान आके बिखरा है वो सामान दूसरे घरों में भी जाके पड़ा है। जिस तरह से ये जला हुआ दिख रहा है, ये उनकी स्लैब होगी ऊपर की, ये कुंदे बहुत सारे, ऐसा एकलौता ये घर नहीं है। ये 50 मीटर की 100 मीटर की परिधि में जितने भी मकान थे, किसी के शीशे टूटे हुए हैं, किसी का कुछ खराब है, एक दो दीवारें भी पीछे टूटी हुई हैं बराबर की। दूसरे आसपास के मकान हैं उनमें भी काफ़ी नुकसान है। इस तरह का बहुत बड़ा हादसा इस एरिया में हुआ है और 11 लोग इसमें बताए जा रहे हैं जिनको नुकसान हुआ है। 7 को निकाल के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है PGI में, जो कि लगभग बाहर के लेबर बताई जा रही है। फरमान, यस्मीन, इकरा, श्रीदा, असरा, शासी पुत्र यासीन, आशी पुत्र यासीन, अंजलि पुत्री वेद प्रकाश, वेद प्रकाश का मकान बताया जा रहा है जिसमें ये बम पटाखे बनाए जा रहे थे। एक गांव की महिला भी एक्सपायर हुई है जिसका नाम संतरा बताया गया है। एक बच्चा एक्सपायर है, उसका अभी पता नहीं चला है वो बच्चा है किसका, 4 साल का बच्चा है। और अभी और भी लोग इसमें दबे हो सकते हैं। पुलिस और दूसरी टीमें हैं जो लगी हुई हैं, जाँच में जुटी हैं और मलबा हटाकर जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का कार्य लगातार जारी है। खरखोदा SDM श्वेता सुहाग और ACP जीत सिंह बेनीवाल मौके पर पहुंचे हैं, पल पल की रिपोर्ट लेकर प्रशासन को भेज रहे हैं। NDRF की टीम भी मौके पर बुला ली गई है ताकि पूरा का पूरा मामला देखा जा सके और कोई भी इंजर्ड व्यक्ति या जो दबे हुए हैं मलबे में उनको आसानी से बाहर निकाला जा सके। ये जो मकान था इतना कंजस्टेड एरिया में था कि एकदम से दमकल के अंदर की गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाई, तो दूर दमकल की गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और पंप लेकर के आग को बुझाना पड़ा। अभी भी आग बुझाने का कार्य जारी है और मलबे से लोगों को निकालने का कार्य जारी है। आशंका जताई जा रही है कि अभी 2 व्यक्ति या महिला पुरुष या लेबर अभी मिल सकती है, इसमें प्रशासन जुटा हुआ है ताकि उनको भी निकाला जा सके और उनका बचाव किया जा सके। अच्छा हुआ है, क्या कुछ बताना चाहिए आप मौके पर पहुंचे? मौके पर पहुंचने के बाद मुझे ये सूचना मिली है कि सुबह 9 बजे यहाँ पे एक विस्फोट हुआ था, उसके बाद दूसरा एक बार और धमाके की आवाज़ आई और गांव वालों ने ही यहाँ पे रेस्क्यू करके कुछ घायलों को और कुछ डेड बॉडीज़ को निकाला है। बताया जा रहा है कि ये पटाखे की फैक्ट्री थी, लेकिन गांव के लोगों को भी खबर नहीं थी कि यहाँ पे इस तरह का कोई काम हो रहा है, जिससे पता लगता है कि शायद ये कुछ दिन पहले ही पटाखे का काम मालिक ने स्टार्ट किया था। और पुलिस के द्वारा मालिक को भी राउंड अप किया जा चुका है और पूछताछ की जा रही है। कितना नुकसान हुआ है, कितनी इंजरी सामने आई? करीब 6 लोगों को PGI भेजा जा चुका है जो घायल थे, जिनमें 1-2 बच्चे भी हैं, साथ ही 3 डेड बॉडी यहां से निकाली गई है और अभी भी राहत का काम जारी है। मलबा यहां पे कुछ है उसको भी हटाया जाएगा और हो सकता है कुछ और मिले, वो देखने वाली बात है। कुछ लोग गाँव के थे, कुछ औरतें और कुछ लेबर बाहर से भी लाई गई थी। फैक्ट्री अवैध थी या वैध थी, लाइसेंस किसी प्रकार का मिला? अभी मालिक को वैसे गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, पर अभी तो जितना पता लगा है प्राथमिक जांच में किसी प्रकार की परमिशन इनके पास थी नहीं पटाखे बनाने की। और टीम में कौन सी बुलाई गई? यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट उपस्थित है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा सिविल डिपार्टमेंट है, गाँव वाले लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं और साथ ही अभी मेरी NDRF से बात हुई है, वहाँ से भी एक टुकड़ी रोहतक से यहाँ पे भेजी जा रही है। गांव में मौके पे थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस हादसे के बारे में? मैं सोनीपत था जिस टाइम पे हादसा हुआ, मेरे पास यहाँ से कॉल गई पुलिस के पास, फायर के पास मैंने कॉल किया। जिस टाइम मैं मौके पे पहुंचा यहाँ पे, उस टाइम घायल थे जो वो रोहतक भेजे जा चुके थे और 3 डेड बॉडी निकाली मेरे सामने गाँव वालों ने मिलकर। गाँव वालों ने भी मदद की थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन लोग थे, उनको भी क्या चोटें आई? पुलिस और फायर जो भी था ये सब बाद में आया, जितना भी यहाँ रात का काम हुआ पहले गांव वालों ने किया है। जो भी हॉस्पिटल में भेजे हैं, डेड बॉडी निकाले हैं, वो पूरे गांव ने मदद की है। हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत।
लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।